हेलो 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 भाई, आवाज आ रही है? अबे बोलेगा भी, मैटर क्या है? आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए? हाँ बेटा, आपके लिए। Jack. Lily, return to me. वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जानते? तेरा गेम बजा के घर जाकर सोना भी तो है। बाप है ना, बाप है ना, पकड़ के लाइव। तो आज के दिन में काफी सारा ओटीटी कंटेंट सरप्राइज रिलीज हुआ था और उसके साथ बहुत सारा कंफर्म हुआ कंटेंट भी आज के दिन में रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको आज सुबह वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ। कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा बड़ा बड़ा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है जो अभी तक कंफर्म हो चुका है, और उनमें से कुछ कंटेंट हमें आज देर रात से ही देखने को मिल जाएगा और कुछ कंटेंट को कल दोपहर को रिलीज किया जाएगा। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले साउथ की एक बड़ी मूवी हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका नाम है भीमा, जो अभी इस फ्राइडे की रात 8 बजे से जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है ओटीटी पे, जो एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 की चल रही है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई साउथ कोरियन एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी ऑफिसर ब्लैक बेल्ट, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ काम कर रहा होता है, शॉर्ट में कह लें तो पुलिस के साथ। जब भी कुछ क्रिमिनल्स को वो पैर में पट्टा पहना के छोड़ दिया जाता है तो बाहर जाके वो कैसे बिहेव करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं को ही ट्रैक करना काम होता है इस बंदे का। तो उसके साथ अभी आगे क्या क्या होने वाला है कहानी में, वही हमें एक्शन और क्राइम भरी कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो एक डार्क क्राइम कॉमेडी एक्शन मूवी होने वाली है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब साईफाई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अगलीज, जिसमें कहानी हमें फ्यूचर की एक ऐसे टाइम की देखने को मिलने वाली है जब एक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 16 साल के ऊपर होने पर सभी को ही कॉस्मेटिक सर्जरी दी जाती है, मतलब कि उनको प्लास्टिक सर्जरी करके ब्यूटीफुल बनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे का राज कुछ और ही होता है जो ही हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो उसके बाद कहानी कैसे एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस मूवी का, जो अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो भी इस हफ्ते की मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जो एक PG-13 वाली मूवी है, मतलब कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जो एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, और मूवी का नाम है Sector 36, जिसे अभी 13 सितंबर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, और कहानी इस मूवी की होने वाली है दिल्ली में निठारी कांड के ऊपर, जहां पे 13 बच्चों की लाशें मिली थी, और लाशें भी नहीं कह सकते, उनके हड्डियों के बाकी बचे हुए हिस्से ही मिले थे, मतलब के बहुत लंबे समय से इन बच्चों को मारा जा रहा था, जिसके बारे में 29 दिसंबर 2006 को पता चला था, जिसके बाद ही एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, और उसी इन्वेस्टिगेशन को लेके ही ये एक नई मूवी आ रही है, जिसे अभी 13 सितंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, और उसी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जो एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका नाम है बर्लिन, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है 13 सितंबर से, जब ये मूवी हमें Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, और इस मूवी की कहानी भी काफी सस्पेंस और थ्रिल भरी हुई होने वाली है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना एंड राहुल बोस के साथ और भी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है, और कहानी एक बड़े टेररिस्ट अटैक की होने वाली है जो अभी इंडिया में रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला होता है, और उसी को लेके ही कुछ बड़ी टिप्स मिलने वाली है जिसको एक गूंगा बंदा बताने वाला है। तो कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी आने वाले हैं जो इस मूवी को काफी थ्रिलिंग भरा हुआ बनाते हैं। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है इस मंथ की, जिसे अभी नेक्स्ट वीक 13 सितंबर से Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है।
इसके बाद लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक आर रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल, जिसकी IMDb रेटिंग 7 की है। और अभी इस मूवी को इस फ्राइडे के दिन से ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें हिस्ट्री की देखने को मिलने वाली है 1977 की, जब एक टेलीविजन शो एक लाइव हॉरर भरी रात को दिखाने वाला है। तो कैसे और क्या होने वाला है कहानी में, वही हमें इस अवार्ड विनिंग मूवी में दिखाया जाने वाला है, जो एक आर रेटेड मूवी है, मतलब कि इसमें आ भी देखने को मिल सकता है, जो अभी इस फ्राइडे से ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साइलेंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी कोंडोला, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है और ये एक ओरिजिनल जर्मन मूवी है, जिसमें हमें कोई भी डायलॉग देखने को नहीं मिलता, मतलब कि यह किस लैंग्वेज में रिलीज हुई है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें जो होने वाला है वो सिर्फ इमोशंस होने वाले हैं, जिनको समझने के लिए किसी भी लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है। तो कहानी हमें इस मूवी में एक कपल की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक केबल कार की जर्नी के दौरान मिलने वाले हैं और पहली ही नजर के प्यार में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस रोमांस भरी कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग काफी बढ़िया है 6.7 की। तो इस मूवी को देखना तो बनता है, 13 सितंबर से बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही एक पंजाबी दिग्गज एक्टर दीप सिद्धू की काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जोरा 10 का चैप्टर 2, जिसके पहले पार्ट को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और दूसरा पार्ट भी काफी ज्यादा हिट रहा था। लेकिन जहाँ पे पहला पार्ट ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया था, दूसरा पार्ट अभी तक भी हमें ओटीटी पे रिलीज होता हुआ नहीं दिखा। तो फाइनली अभी बहुत टाइम बाद हमारे बीच नहीं रहे दीप सिद्धू की इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जा रहा है इस फ्राइडे, मतलब के 13 सितंबर से केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। तो ये भी इस मंथ की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे अभी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बड़ी इमोशनल ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अरदास, जो इसी मूवी का थर्ड पार्ट होने वाला है और ये मूवी सीरीज काफी सुपरहिट जा रही है, जिसको पूरी ही पंजाबी ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और अभी इस मूवी का थर्ड पार्ट इसी अरदास नाम के साथ ही इस फ्राइडे, मतलब के 13 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी जल्द ही हमें चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी, मतलब पंजाबी ऑडियंस के लिए कम से कम नवंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब इसे चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक बड़ी और बढ़िया मस्ट वॉच हिंदी मूवी री रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है तुम्बाद। तो ये मूवी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन तब इस मूवी को ऑडियंस की ओर से कोई ज्यादा बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कर गई थी। बट अभी इस मूवी को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, जब पूरी ही इंडियन ऑडियंस इस मूवी को दोबारा से देखना चाहती है। तो ये बड़ी हॉरर थ्रिलर मूवी हमें इस फ्राइडे से थिएटर्स में रिलीज होते हुए देखने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है या फिर से इस मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो अभी सबसे बढ़िया मौका है इस मूवी को थिएटर्स में जाके देखने का और ऐसी बढ़िया मूवीज को सपोर्ट करने का। इसके बाद साउथ की ही काफी टाइम पहले अनाउंस की गई थी सनी लियोनी एंड जैकी श्रॉफ के साथ एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोटेशन गैंग, जो काफी टाइम से लटकती हुई आ रही है। और अभी इसको लेके अपडेट आई है कि यह मूवी अभी हमें 13 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जो एक बड़ी पैन इंडिया मूवी है, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, तो सोचा आपको इसके बारे में अपडेट दे दूं। तो ये मूवी अभी हमें इस फ्राइडे से थिएटर्स में रिलीज होते हुए देख सकती है, जिसको बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से 13 सितंबर की रिलीज के लिए ऐड किया गया है, जहां पे इसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी पोस्ट किया गया है। तो इसमें हमें ब्रूटल क्राइम की कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर 13 सितंबर को रिलीज हो जाती है तो उसके बाद जल्द ही हमें ओटीटी पे भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी काफी लंबे समय से अटकती हुई आ रही है। बाकी कल के दिन में जो भी सरप्राइज रिलीज हुआ होगा उसके साथ ही मैं आपको कल वाली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और आपका कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में भी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।